with this kind of deviation of 5 inches. So what will be the probability? You are depending first year for class ko liya kya hai, to uska jo mean aa raha hai wo 65 inches aa raha hai. 65 inches ka matlab 5 feet 5 inches wo uska mean aa raha hai. Aur uska standard deviation kitna aa raha hai? 5 aa raha hai. तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या मेथड बनेगी जब स्टूडेंट्स की हाइट ग्रेटर देन 65, जब स्टूडेंट्स की हाइट ग्रेटर देन 55, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी जब स्टूडेंट्स की जो वो है हाइट है वो लेस देन 70. मैंने क्या बताया था कि ये हमारे पास 65 इंचेस तो है नहीं, इसमें हमारे पास 70 इंचेस वाला भी शामिल होगा, 60 इंचेस वाला भी शामिल होगा, 58 इंचेस वाला भी शामिल होगा. 54 के 54 स्टूडेंट्स को कलेक्टिवली इसका मीन निकाला गया वो 65 इंचेस आ रहा है, मगर इसमें इंडिविजुअल 70 इंचेस वाला भी शामिल है, इसमें इंडिविजुअल 60 इंचेस वाला भी शामिल है. अब ये प्रोबेबिलिटी डिमांड कर रहा है कि ग्रेटर देन 65 वाले कितने स्टूडेंट्स हों इस डेटा के हिसाब से, लेस देन 70 इंचेस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितनी हो इस डेटा के हिसाब से, और ग्रेटर देन 60 इंचेस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी इस डेटा के हिसाब से, और इन बिटवीन 55 और 70 इंचेस के दरमियान कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इस डेटा के हिसाब से. अब हमें करना क्या है, इस डेटा को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमें वो वाला फार्मूला अप्लाई करना है जो मैंने लास्ट टाइम में करवाया था कि इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को हम स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, जेड x minus mu divided by sigma. सबसे पहले मैं ये पार्ट सॉल्व करूं, सब में ये वाला फार्मूला लगेगा. अच्छा, ये हमारे पास क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के हमारे पास गिवन है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से गिवन है. तो मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का एक तरीका था, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन तरीके से लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट में हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 65, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 65, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन कितनी होगी. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 65 है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल कौन सा है, जेड. अभी ये वाला मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, जेड इक्वल टू एक्स माइनस मी डिवाइडेड बाय सी. अच्छा, अभी आप वो देखिए क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या क्या गिवन है, म्यू, म्यू जो मीन मैंने क्या बताया था कि म्यू मीन को कहते हैं, कितना गिवन है 65 इंचेस, और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कितना गिवन है 5. अगर और हमारे पास एक्स वेरिएबल कितना गिवन है 65. अब ग्रेटर को अभी कंसीडर नहीं करें, ग्रेटर है लेसर, अभी वैल्यू जितनी दी है उतनी लिखनी. एक्स कितना है, लेफ्ट साइड हमारी नेगेटिव होती है. अब हम
रही है, अगर हम उस हिसाब से बात करें जीरो के हिसाब से ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है उसका क्या मतलब है कि जीरो की अगर वैल्यू आ रही है वहां पे हम एक स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। ग्रेटर का क्या मतलब है, जीरो से आगे वाला, तो जब ग्रेटर का साइन आ जाएगा तो जहां पे हमने लाइन ड्रॉ की उसके आगे वाला एरिया हमारा एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। और इसके अलावा जो बताया एरिया हो जाएगा वो हमारा एरिया ऑफ रिजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ए की डिमांड, पार्ट ए में क्या है, जेड ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से ज्यादा आगे वाली वैल्यू होगी वो हमारा रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस कहलाता है। अब ये जीरो है, जीरो से आगे वाली जो ग्रेटर में वन आएगा टू आएगा उससे लेसर कौन सा है, माइनस वन माइनस टू, जो ग्रेटर वाला है वो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा और जो लेसर होगा वो हमारा रीजन ऑफ रिजेक्शन होगा। इसको डॉटेड फिगर से रिप्रेजेंट कर, इसके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, यहाँ पे हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया, अगर बी पार्ट की तरफ आए की वही होगा तरीका वही होगा। अगर हम देखेंगे इसमें डिमांड की जा रही है कि क्या की जा रही है वो हम उसको चेक कर, बोला जाता है इसमें क्या था ग्रेटर या लेसर का बोला जाता है, इसमें इन बिटवीन का बोला
5 और 70 के दरमियान जो x है उसका स्टैंडर्ड वेरिएबल कितना होगा 55 और 70 के दरमियान। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो स्टेप्स में, इसमें हम दो स्टेप्स में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम 55 के हिसाब से अप्लाई करेंगे, दूसरे स्टेप में हम 70 के हिसाब से अप्लाई करेंगे। कोई वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। पहले x कितना लेंगे 55, म्यू कितना आ रहा है 65, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 5, आंसर कितना आ जाएगा माइनस 10 डिवाइड बाय 5, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2। अब 70 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, और x कितना है इस वक्त 70, म्यू कितना है 65 डिवाइड बाय 5, ये कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 पॉजिटिव 1। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, इन बिटवीन 55 और 70 की जनरली करने जो z का वेरिएबल कितना आ रहा है माइनस 2 और 1 के दरमियान आ। इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे हो, सबसे पहले तो नॉर्मल प्लॉट करेंगे सिमेट्रिकल शेप ग्राफ, ये सेंटर में 0, राइट साइड पॉजिटिव, लॉग टेबल गिवन होती है ना, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने वो वैल्यू निकालनी है।